कहीं पे आग लगी हुई है तो उस आग के ऊपर पर्दा डाल दिया है एंड जहाँ पे पानी है बस वही दिखा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। वन शुड अपोलोजाइज, आके आना चाहिए एक लीडर को और बोलना चाहिए कि हाँ देशवासियों ये गलती हुई है, हम क्षमा चाहते हैं। स्टार्टिंग में जब चंडीगढ़ आया था मुझे भी, जब रात को 7-8 बज गए थे मुझे भी डर लग रहा था। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लड़कियों में डर लगता है, इंसान तो मैं भी हूँ। वुमेन रिजर्व्ड सीट्स भी होती हैं तो वहाँ पे रूल उसके हस्बैंड का है, उसके डैड का चलता है। कनेक्शन बनाने में जब मेल्स के होंगे रोल तो ओपिनियन भी फिर मेल के ही होंगे। नॉर्मल पब्लिक मंदिर चाहेगी तो सरकार मंदिर ही बनाएगी। मतलब लॉज तो हैं कि आपको सजा मिलेगी, बट जो सजा मिलते मिलते तक आप या तो खुद हो लोगे या आपका केस हो लेगा। सबको ये बना हुआ है कि मेरे एक वोट से क्या होगा, मेरे एक वोट से क्या होगा, पर उनका एक वोट ही बहुत बड़ी चोट दे सकता है सामने वाले। मेल में एक हद तक समझ तो जाते हैं बट उस चीज़ को उतना नहीं वो कर पाएंगे, वो लोग बोलेंगे अरे ऐसी है जानते हैं इसको। फीमेल अच्छे से उस पर वर्क कर पाएगी। ब्रिटिश चले गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन इसको छोड़ गए, किसको छोड़ गए? वो माइंड सेट है ना अभी भी हमारे देश के लोगों में है। अगर यूथ को मौका दिया भी जा रहा है तो वो नेपोटिज्म पर बेस्ड है। तो अभी हमारे साथ है डीएवी कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स। वो क्या सोचते हैं, कैसा लीडर चाहते हैं और इस टाइम पर उन्हें क्या लगता है कि कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए, तो इसके बारे में बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हाय, दिस इज पार्वती एंड आई एम द प्रेजिडेंट ऑफ इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब। जी, तो आपको क्या लगता है कि आज के समय में कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो हमारे लीडर्स को ध्यान में देने चाहिए? If I talk about the issues, the first thing is the education. Because present time में अगर education system की बात करें, हमारी जो youth है अभी भी ऐसी condition है कि चाहे उनके पास चाहे degrees हैं, चाहे वो graduate हैं, but still वो एक job पाने के लिए मतलब capable नहीं है। And apart from that, अगर women की बात करें, उनकी सेफ्टी को लेके बात करेंगे, स्टिल हमारे पास ऐसे डे टू डे ऐसे इश्यूज आते हैं, ऐसे न्यूज़ में आते रहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी को लेके, इवन इफ़ गवर्नमेंट टेक्स द मेजर्स, इवन इफ़ गवर्नमेंट टेक्स द स्टेप्स, वो भी कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली वीमेन की जो फ्रीडम है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए ही होते हैं। आई वॉन्ट टेक द नेम्स ऑफ दोज लॉज एंड पॉलिसीज, बट या इट वॉज इन UP। जी, तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, ताकि इन केस मतलब कोई अगर क्लैरिकल वर्क के लिए या फिर यू नो कोई एग्जेक्टिव फील्ड में या फिर ऑफिशियल वर्क्स के लिए भी कोई कैपेबल नहीं है, स्टिल उनके पास एक ऐसी स्किल हो जिससे लाइफ टाइम वो अपने मतलब वो सर्वाइव कर पाए, मतलब अपनी फैमिली को, वो फैमिली की नीड्स को, अपनी खुद की नीड्स को फुलफिल कर पाए। जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे, आप क्या चाहते हो, आपके लीडर में कौन सी क्वालिटीज हो? एक लीडर जो है वो बहुत ही ज़्यादा विजनरी होना चाहिए। प्रेजेंट में ऐसा लीडर है भी हमारे पास, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती है लाइक लोग किसी चीज़ को ज़्यादा ही हाव दे देते हैं। एक लीडर वो भी होना चाहिए जब कुछ गलत हो रहा है तो उसको अपोलोजाइज करे, उसको करेक्ट करे, ऐसा नहीं कि उस इशू को छुपा दे और किसी और मुद्दे को उठाए। जनरली ऐसा बहुत हो रहा है कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर इशू चल रहा है, कहीं पे आग लगी हुई है तो उस आग के ऊपर पर्दा डाल दिया एंड जहाँ पे पानी है बस वही दिखा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। वन शुड अपोलोजाइज, आके आना चाहिए एक लीडर को और बोलना चाहिए कि हाँ देशवासियों ये गलती हुई है, हम क्षमा चाहते हैं, हम आके सुधार करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी एक लीडर के अंदर होनी चाहिए जो मैं समझता हूँ कि कमी है प्रेजेंट में। यूथ की पार्टिसिपेशन को आप किस तरह से देखते हैं? यूथ जो है एक्चुअली में ग्राउंड रिपोर्ट्स को जानता है। यूथ वो है जो एक्चुअली में ग्राउंड में रहता है, जो बड़ों को भी देखता है और छोटों को भी देखता है, क्योंकि वो बीच के फेस में है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है अपने करियर के लिए, एजुकेशन के लिए, और वो घूमता रहता है। तो एक यूथ जो एक्सपीरियंस्ड है, ऐसा नहीं जो कहीं पे बैठा हो, जो एक एक्सपीरियंस यूथ है जिसको मतलब अच्छी खासी नॉलेज हो, उसको आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेना चाहिए, उसको आगे बढ़ के बहुत अवेयरनेस भी क्रिएट करनी चाहिए छोटों के बीच में, बड़ों के बीच में, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि एक जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली है वो एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करती आ रही है, तो वो बच्चे भी ये देखेंगे कि मेरे पेरेंट्स ने उस चीज़ को सपोर्ट किया तो हम भी उसको सपोर्ट करेंगे, बिना किसी चीज़ को डिस्टिंग्विश करे कि वो सही है या गलत है और उनको क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो बच्चों को समझना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड उन्हें ये चूज़ करना चाहिए कि मेरे फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है। लाइक मैं अगर किसी को वोट दे रहा हूँ तो क्या मुझे सरकारी नौकरियाँ मिल रही है? क्योंकि आज के टाइम पे नौकरियाँ कम हो रही है, बस फॉर्म भरे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, नौकरियाँ किसी को मिल नहीं रही। मतलब 800,000 लोग UPSC का फॉर्म भरते हैं, उसके बाद भी पेपर कैंसिल हो जाता है। काफ़ी टाइम तक कोविड के टाइम पे बैठे थे लोग, है ना, जंतर मंतर पे, वो भी बहुत बड़ा इशू रहा था। इवन हरियाणा में बहुत ज़्यादा इशू होते हैं पेपर लीक के,
रिसेंटली यूपी में पुलिस का पेपर लीक हुआ था, तो ये जो पेपर लीक वाली पॉलिसी है, यूथ का टाइम वेस्ट होता है, उनकी एनर्जी वेस्ट होती है, सबको ड्रेन हो जाता है एंड एट लास्ट वो टूट जाते हैं. तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए कि अगर इन केस अगर पीछे से कुछ ऐसा होता है तो गवर्नमेंट उनको क्या एश्योरेंस दे रही है. देयर शुड बी समथिंग लाइक अगर कोई इंटरव्यू तक पहुंचा है तो उसे कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि डेट्स अ बिग थिंग. उसके पास नॉलेज है, वो वहां तक पहुंचा है, कैपेबल है, है ना. तो आपने अभी जिन प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या है, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स हमारे देश में है? कॉलोनियल माइंडसेट मैं उसको ब्लेम करना चाहूंगा, क्योंकि वो माइंडसेट अब तक चलता आ रहा है. लाइक रिसेंटली हमारे एनएसएस में एक युवा संवाद भी हुआ था जिसमें ये टॉपिक आया था, लाइक ब्रिटिश चले गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन इसको छोड़ गए, किसको छोड़ गए. वो माइंडसेट है ना अभी भी हमारे देश के लोगों में है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो या कोई भी लोग हो. लाइक एक आदत बनी हुई है कि यार हमारा ही तो है, और उसको एक्सप्लोइट करने लग जाते हैं उस चीज को. लाइक हमारा है तो एक्सप्लोइट नहीं करना ना उस चीज को. इन्होंने बात की है माइंडसेट की, आपसे पूछना चाहेंगे माइंडसेट कैसे चेंज हो. सी बेसिकली ऐसा होता है ना कि पीपल नीड टू गेट एजुकेटेड ओवर थिंग्स, बिकॉज बेसिकली लोग ना भेड़ चाल को फॉलो कर रहे हैं इवन इन द पॉलिटिकल सेक्शन. राइट, उनके घर वाले, उनके आस पड़ोस वाले जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो उसी चीज़ के पीछे जा रहे हैं. दे नीड टू फॉर्म देयर ओन ओपिनियंस बाय स्टडिंग एवरीथिंग कि क्या चल रहा है आसपास एंड ऑल. उसके बाद माइंड सेट चेंज होएगा, उसके बाद यू नो यू गेट टू नो द थिंग्स जो हैपन कर रही हैं आपके आसपास, नॉट जस्ट इंटरनेशनल कंपेरिजन्स बट नेशनल एंड रीजनल कंपेरिजन ऑल्सो. यू कैन कंपेयर योर सेल्फ योर सराउंडिंग्स विद अनदर स्टेट अनदर डिस्ट्रिक्ट एंड देन यू कैन कम टू नो क्या कमियां है, क्या सुधार हो सकते हैं, और उस हिसाब से आप अपना ओपिनियन बनाएं. सो उससे माइंडसेट को बहुत बदलाव आएगा. वोटर्स की बात करेंगे, अक्सर हम कहते हैं कि लीडर्स में ये क्वालिटीज होनी चाहिए, वोटर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए. रीजन ये है कि बहुत सारे लीडर्स कहते हैं कि हमें चुना गया है, लोगों ने ही तो चुना है, फिर लोग क्या देख कर चुने अपना लीडर. सबसे पहले तो वो किसी बाहरी दबाव से प्रभावित ना हो. आजकल की कुछ लुभाने के लिए वोटर्स को काफ़ी स्कीमें कि जरिए कि ये साड़ी पैसा ये वो, सबसे पहले उससे दूर होकर किसी अपना खुद का एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही किसी के दबाव में ना आकर अपना वोट देना चाहिए. एक और उनके लिए कि समाज में उनका सबको ये बना हुआ है कि मेरे एक वोट से क्या होगा, मेरे एक वोट से क्या होगा, पर उनका एक वोट ही बहुत बड़ी चोट दे सकता है सामने वाले लीडर को. तो सबसे पहले और इनसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो यूथ है आजकल, वो अब टेक्नोलॉजी इतनी आ रखी है, अब सोशल मीडिया से प्रभावित होने लग गए हैं, तो उन्हें जो झूठे अफवाहें हैं उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. और सबको अपने जो जिनके पास से सब कुछ नहीं है, मोबाइल फ़ोन काफ़ी जैसे पेरेंट्स हैं उनको यूज़ करना नहीं आता, और वो जैसे अब गांव में गए कहीं गए तो वहाँ फाइन सुनकर आते हैं कि ये वो, तो उनको एजुकेट करना चाहिए, घर वालों को भी थोड़ा बताना चाहिए कि आप ऐसा ऐसा कीजिए. और वो लड़कियों की पार्टिसिपेशन को कैसे देखते हैं, क्या आपको लगता है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में लड़कियों को अच्छी तरह से पार्टिसिपेशन मिल रही है? देखो सरकार ने पास तो किया 33% रिजर्वेशन, बट वहाँ पे ना पार्टिसिपेशन नहीं है वुमेन की, वुमेन हेजिटेट. और अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें, लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, सेल्फ गवर्नमेंट्स होती हैं, मेजरली अपने आसपास भी और कहीं नेशनल लेवल पे भी हम ये देखते हैं कि इवन इफ़ द वुमेन इज़ पार्टिसिपेटिंग, लाइक वुमेन रिजर्व सीट्स भी होती हैं, तो वहाँ पे रूल उसके हस्बैंड का है, उसके डैड का चलता है, बिकॉज दे आर स्टिल डोमिनेटेड बाई द पेट्रीआर्की इन दैट स्फेयर. सो वहाँ पर अगर वुमेन खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू कर देंगी, दे स्टार्ट गेटिंग एजुकेटेड ओवर देयर राइट्स, और वहाँ पर अगर करना शुरू कर देंगी सो बहुत सुधार आएगा पार्टिसिपेशन में भी. और जैसे इसने कहा था कि वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी, वुमेन लॉज बनाएंगी वुमेन के लिए तब जाके चेंजेस आएंगे, वरना इफ़ मैन मेक लॉज फॉर द वुमेन्स फेयर्स तो वहाँ पर कोई सेंस नहीं बनती है बात की, बिकॉज दे डोंट नो हाउ वट वुमेन गो थ्रू एंड ऑल. और अगर बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे देखें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, ग्राम पंचायत, वहाँ पर नॉर्मली ऐसा होता है कि इवन इफ द जो पंच होते हैं उनमें टॉप की अगर वुमेन है अगर वहाँ पे भी, बट स्टिल वहाँ पे रूल जो होता है वो बाकी मेल मेंबर्स का ही चलता है. तो इफ वुमेन स्टार्ट टेकिंग स्टैंड फॉर देमसेल्व्स तो कई जगह ऑनर किलिंग्स हो जाती हैं, कुछ होता है, बट दे नीड टू गेट एजुकेटेड ओवर देमसेल्व्स. दे नीड टू शो कि हम, हमारे पास इतनी पावर है, हमारे पास इतने राइट्स हैं, वी कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ. तो वो सब जब होगा उसके बाद जाके बहुत चेंजेस आना शुरू हो जाएगा. जी, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और बहुत सच्ची बात कही है कि बहुत सारी जगह पर रूल तो जो है वो मेल का चलता है, मेल से ही पूछेंगे.
क्यों क्यों रूल जो है वो मेल का चलता है? घर से लेकर पॉलिटिकल सिस्टम में लड़की पढ़ लिख गई है, खड़ी होती है इलेक्शंस में और इलेक्शन जीत भी जाती है या बहुत सारी जगह पर चली जाती है, पीछे जो राय है वो किसी मेल की क्यों डोमिनेट हो जाती है? मैं एक रीज़न ये भी मानता हूँ कि पहले से ही ये चलता जा रहा है कि हमें पूरी फैमिली में डोमिनेट करना है, हमें लीड करना है, हमें पूरी फैमिली को संभालना है, तो उस वे में फिर ये चीज़ें आ जाती है कि यहाँ पे भी अगर मेरा कोई रिलेटिव है जो कि पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा है जी। तो मेरा रोल उसमें ज़्यादा होता है कि मैं उसे सपोर्ट करूँ, तो इस चक्कर में जितने कॉन्टैक्ट्स बनते हैं वो सारे मेल्स के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो पार्टी फेस होते हैं जो कैंडिडेट होता है, कैंडिडेट पार्टी फेस होता है, तो बाकी रिलेशंस लोअर लेवल्स पे सारे मेल्स के होते हैं जी। तो इस कनेक्शन बनाने में जब मेल्स के होंगे रोल तो ओपिनियन भी फिर मेल के ही होंगे जी। हाँ, तो कैसे बदला जा सके, आप आइए थोड़ा आगे, कैसे बदला जा सके कि ओपिनियन भी लड़कियों का मैटर करे, इस चीज को कैसे बदले? मैम जैसे मैम ने बोला अभी कि लड़कियों को होना ज्यादा जरूरी है, सही बोल रहे हैं कि फीमेल होगी तो फीमेल को ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएगी, बट वही है कि क्या इसका नाम फीमेल मेल में एक हद तक समझ तो जाते हैं बट उस चीज़ को उतना नहीं वो कर पाएंगे, वो लोग बोलेंगे अरे ऐसी है जानते हैं इसको, फीमेल अच्छे से उस पर वर्क कर पाएगी। तो मैं तो यही बोलूँगी फीमेल्स ही में, मतलब कि आपको लगता है कि फीमेल्स को खुद ही पहले अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आपसे पूछना चाहेंगे, आप थोड़ा आगे आइए इधर, कि ये जो आपने एग्जीबिशन लगाई है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को आपने हाईलाइट किया है कैरिकेचर्स के द्वारा? देखिए इसमें आप अगर देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा इसमें है वो लोग मणिपुर का मुद्दा उठा रहे हैं कि मणिपुर में इतना चल रहा है, सरकार ने क्या कदम उठाए या सरकार की क्या जस्टिफिकेशन है जी। तो इसमें सबसे बड़ा रोल मैं मानता हूँ लोगों की पॉलिटिकल एक्टिवनेस को लेके, लोग पॉलिटिकली कितना एक्टिव है, आज भी कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि संसद में कैसे कानून पास होते हैं, संसद में कौन सा कानून कौन से हाउस में रखा जाता है, एक हाउस से पास होने के बाद दूसरे हाउस में जाता है, या वो कानून में जो संशोधन हुए हैं या कानून में जो नई टर्म्स और कंडीशंस या पॉलिसीज लेके आई है वो लोगों को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, वो लोग आज तक भी उसके इतना एक्टिव नहीं है पॉलिटिकली कि उनको पता हो या वो सवाल उठा सके कि ये चीज़ गलत है, इसके विरोध में जाएंगे। और जब हद पार हो जाती है जैसे कि आपने किसान का देखा, फिर जब किसानों को पता चलता है कि डायरेक्ट हमारे ऊपर इम्पैक्ट है, फिर जैसे कि आप देखेंगे कि अभी एक ट्रांसपोर्टेशन को लेकर ट्रकों के लिए कानून आया था, उसमें था कि अगर वो होता है तो उनको इतना फाइन है पर्टिकुलर और इतनी वो सजा है, लेकिन सरकार ये शोर करना भूल गई कि अगर एक ट्रक वाला अगर वो रुकता है वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए किसी की, तो जो मोब लिंचिंग इतनी ज़्यादा है कि वो अगर वो कानून फिर वहाँ काम नहीं आएगा, कानून से पहले ही लोग उसको देख लेंगे। तो इन चीज़ों में लोग बाद में पॉलिटिकली एक्टिव ज़्यादा होते हैं इससे पहले कि वो स्टार्टिंग से थोड़ा देखे कि सत्र कैसे चल रहा है हाउस का, नए क्या कानून पास हो रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि सरकार को भी इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कोई थोड़ा वो डिजिटलाइज करे कि जैसे फंड जो एलोकेट हो रहा है वो एक पर्टिकुलर पोर्टल बना दे कि इस पर्टिकुलर एमएलए को या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को इतना फंड एलोकेट हुआ है और ये कहाँ कहाँ लग रहा है जी। और ये सरकार इसमें कब तक ये कदम उठेंगे शायद नहीं पता, अब फॉरेन कंट्रीज में हालांकि ये हो रहा है लेकिन देश में ये कब तक होगा कि हम भी देख पाए कि सरकार से मेरी जो क्षेत्र का एमएलए है उसको कितना फंड आया है या उसने कहाँ पे लगाया है, ट्रांसपेरेंसी। तो वो थोड़ा एक बार वो सरकार को मिलके और लोग इसमें जितना सरकार वही काम करती है जो लोग चाहते हैं, अगर कोई मंदिर का इशू अगर सरकार नॉर्मल पब्लिक मंदिर चाहेगी तो सरकार मंदिर ही बनाएगी, अगर नॉर्मल पब्लिक बोलने लगेगी कि नहीं हमें स्कूल चाहिए, हमें अच्छी एजुकेशन पॉलिसी चाहिए या फिर हमको थोड़ा बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, जॉब में हम चाहते हैं कि भाई एक दिन और ज़्यादा छुट्टी दी जाए, लोग थोड़ा मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर सके या रिलैक्स कर सके, तो मुद्दे जो हम देंगे सरकार उन पर ही काम करेगी। तो इसमें थोड़ा ये आपसे पूछना चाहेंगे, अक्सर ही औरतों की सेफ्टी की बात होती है, क्यों नहीं सेफ फील करती गर्ल्स, क्यों उन्हें लगता है डर, क्यों जब वो घर से बाहर जाती हैं तो उन्हें लगता है उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाएगी, क्योंकि मिस हैपनिंग करने वाले जो है वो मर्द ज़्यादातर होते हैं, तो आप सब जो हैं वो लड़कियों से इसलिए मैं बात कर रही हूँ क्योंकि उनकी फीलिंग्स को, उनके जज्बातों को और उनकी इनसिक्योरिटी को मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। आपसे पूछना चाहेंगे कि क्यों मर्द ऐसा माहौल नहीं देते उनको? मैम एक तो पहली बात उनकी जो एजुकेशन है ये एक बहुत मेन फैक्टर है कि वो एजुकेट नहीं है उससे रिलेटेड, तो उनको पता नहीं है कि कैसे ट्रीट किया जाना है, कि वो कोई टॉय नहीं है कि जिसे हम यूज़ करें खेलें या जो भी करें, तो उनको ये इस चीज़ की एजुकेशन देनी बहुत ज़रूरी है, उनको बताना कि कैसे बिहेव किया जाता है सोसाइटी में फीमेल्स के साथ।
लॉज है पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं वो बात, मतलब लॉज तो है कि आपको सजा मिलेगी बट जो सजा मिलते मिलते तक आप या तो खुद हो लोगे या आपका केस हो लेगा जी। पॉलिटिकल सिस्टम में क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो? आज के पॉलिटिकल सिस्टम में ज्यादा दिखावापन बन गया है कि दिखाते हमने ये किया वो किया, और बड़े मतलब बड़े लेवल पर दिखाते, नीचे ग्राउंड्स पर कोई नहीं ध्यान देता, रूरल एरिया में नहीं देखता, इतनी पॉलिसीज आती है वो क्या इम्प्लीमेंट हो रही है पॉलिटिकल सिस्टम में, कोई ध्यान नहीं देता इसके बाद। और आजकल जैसे देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस बन जाते हैं और जो जिन लोगों ने ये सोच के वोट दिया है कि हम हमारे जो ओपिनियन है वो ये पार्टी आगे लेके जाएगी, पर वो दूसरी पार्टी के साथ अलायंस करके अपने फायदे के लिए उनको नजरअंदाज कर देती है आज के टाइम में। करप्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कितना करप्शन जो है वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में फैल चुका है, कैसे इससे हम बाहर निकल सकते हैं? करप्शन देखिए, करप्शन पॉलिटिकल सिस्टम में लाते हैं। सबसे पहले तो अगर करप्शन होता है हमेशा ग्राउंड लेवल से, तो ग्राउंड लेवल पे कौन है? जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और जो हम एज ए इंडिविजुअल जो हमारी सोसाइटी है या फिर हम सिविलियंस हैं, तो करप्शन में लाने के कारण हम ही हैं एक तरीके से कहीं ना कहीं से। और ऐसे नहीं कि सिर्फ एक इंसान उसमें है, ये करप्शन की एक चेन है। करप्शन तो एक हम मैं मेरा नज़रिया ये है कि एक लूप होल है, इसे निकलना है तो पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। और अगर मैं सिंपल बेसिक्स एग्जांपल भी दूं, गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करी है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस का, बड़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, ऑनलाइन अप्लाई करो, डेट्स लो, अपना ट्रायल दो, अपना टेस्ट दो और ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पर आ जाएगा। पर फिर भी हमारे पास शायद इतना टाइम नहीं है या ब्यूरोक्रेट्स जो हमारे ऑफिशियल्स है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में किसी को टारगेट नहीं कर रहा कुछ भी, वो कहते हैं कि ऊपर अलग से पैसे दो हमें, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके बिना वहाँ पे पहुँचे घर मिल जाएगा। एक तो ये बड़ा बेसिक एग्जांपल है अगर मैं इसको इनसाइट देना चाहूँ। और ऐसा भी नहीं, ये तो हो गया कोई कर रहे हैं, और कोई ऐसे भी जो पैसे लेके भी नहीं करेंगे, वो बोलेंगे प्रॉपर प्रोसीजर है उसको फॉलो करो। तो ये लूप होल है, इससे ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा ही ठीक कर सकता है, करना है तो सभी को करना पड़ेगा। एक एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, बजेगी तो दोनों से बजेगी। और मैम मैं एक आपने एक मेरे फ्रेंड से क्वेश्चन पूछा था वुमेन सेफ्टी के ऊपर, उसने बहुत ही अच्छा बोला, मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा इफ़ आई हैव योर परमिशन। हाँ, हम मेरा ये मानना है कि हर एक स्टोरी की दो पहलू होते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि लड़कियाँ सेफ नहीं करती बाहर जाके, काफ़ी सारे केसेस आते हैं कि जहाँ पे वुमेन नहीं सेफ फील करती। बट अगर मैं कहूँ कि ऐसा नहीं है कि हम वी एज अ मैं अगर मैन सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनकी तरफ से बोलना चाहता हूँ, हम भी कहीं कहीं ना कहीं सेफ फील नहीं करते चाहे हम बाहर जा रहे हैं। अगर मैं भी स्टार्टिंग में जब चंडीगढ़ आया था, मुझे भी जब रात को 7-8 बज गए थे, मुझे भी डर लग रहा था। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लड़कियों को डर लगता है, इंसान तो मैं भी हूँ। मैं उनको ये नहीं कर रहा कि उनका नहीं लगना चाहिए डर, मैं आप बस ऐसा होता है ना कि मेरे को मेरा ये मानना है कि आज के ज़माने में मर्दों को दबाया जा रहा है कहीं ना कहीं, ये नहीं है कि वो है। तो फिर एक तो ये होगी, और जैसे बड़ा सा आजकल चल रहा है ये जैसे कहते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, बुरी बात है, बिल्कुल बुरी बात है, मैं सोसाइटी के साथ एग्री करता हूँ। बट जब डाइवोर्स होता है तो जो ऐसे कभी भी कभी डाइवोर्स हो जाता है, जो जेन्युइन रीजन होते हैं कि नहीं कंपेटिबिलिटी होती है तो नहीं हुआ। कभी कभी जो गर्ल्स होती हैं विक्टम कार्ड प्ले कर लेती हैं, अपना विक्टम कार्ड प्ले करती हैं, फिर जो मेल की साइड होती है फैमिली होती है उसको सफर करना पड़ता है, उनको वो देनी पड़ती है एलिमनी मे भी, ठीक है वो बात गलत है। यानी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो हमारे कानून बने हुए हैं उनका दुरुपयोग भी हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजेगी, बजेगी तो दो हाथ से बजेगी। मतलब ये हमारे घर वाले सिखाते हैं, मैंने छोटे होते सोना की ताली एक हाथ से नहीं बज सकती, मेरा वही बचपन का जो है वो फाउंडेशन है उसी पे चल रहा हूँ। और मैं सच बताऊँ, मेरे घर वालों ने मेरे को बहुत अच्छे तरीके से बड़ा करा है। मेरे साथ जितनी भी दोस्त हैं लड़कियाँ चाहे लड़कियाँ, उनको मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ जिसमें सेफ फील करें। बस मेरा ये इनपुट था कि हमेशा एक एक पॉइंट को एक पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, चारों तरफ से देखना चाहिए, तभी हमें उसकी जो पूरी जानकारियाँ मिलेगी और तभी हम उस पर वर्क कर सकते हैं। एक चीज़, आप सभी यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि यूथ को जितनी पार्टिसिपेशन हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में मिलनी चाहिए उतनी मिल रही है? दूसरा, अगर नहीं मिल रही है तो क्या कारण है? क्या ये भी एक कारण है कि बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं? अगर हम इलेक्शन में खड़े होंगे कौन करेगा खर्चा? तो थोड़ा सा कोई भी जो आप में से बताना चाहता है इस पर खुलकर बात करना चाहता है। हाँ जी, इफ़ वी टॉक अबाउट द यूथ पार्टिसिपेशन, अगर यूथ को मौका दिया भी जा रहा है तो वो नेपोटिज्म पर बेस्ड है कि या तो उनके उनके फादर्स है या कोई रिलेटिव जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं,
तो उनके आगे जो जनरेशन है उनको आगे आगे अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। हम मानते हैं कि ठीक है यूथ मतलब एज वोटर बहुत बड़ा अपना रोल प्ले कर सकते हैं अगर वो अपने आसपास के इश्यूज से अवेयर हो, बट वही बात है कि अगर पार्टिसिपेशन की बात करें थोड़ा ये नेपोटिज्म का एक तो कॉन्सेप्ट हटाना पड़ेगा ताकि उनकी पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में इंडियन पॉलिटिक्स में बढ़ सके। So that's my view on this youth participation in Indian politics. तो दोस्तों ये थे हमारे साथ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही जिसे हम कहते हैं ना एक्सपीरियंस्ड वे के साथ अपनी बातें कही हैं। तीन मुद्दे जो उभर कर सामने आए हैं, एक है एजुकेशन का, एक है एम्प्लॉयमेंट का, स्किल बेस्ड जो है वो ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए और साथ में सेफ्टी का, चाहे वो मेल की हो चाहे वो फीमेल्स की हो। तो हम चाहेंगे कि अब जब भी इलेक्शंस हों तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे लीडर्स जो है वो यूथ को ज़रूर सुने, उनकी प्रॉब्लम्स को ज़रूर ध्यान में रखें और हमारे सामने एक ऐसा लीडर आए जो वाकई ही हमारे देश का भविष्य बदल दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ है प्रोफेसर निष्ठा सक्सेना जो कि इस एग्जीबिशन की जज भी हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैम पूछना चाहेंगे कि एग्जीबिशन सबसे पहले आपको लगी कैसे? एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बियॉन्ड वर्ड्स, आई एम स्पीचलेस। एंड इट इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर अ जज यू नो टू प्रोनाउंस जजमेंट क्योंकि इतने ओरिजिनल आइडियाज़ हैं, इतनी क्रिएटिविटी है बच्चों में, तो उसको सिंगल आउट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है व्हेन इट कम्स टू जजमेंट। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो बच्चों ने रेज किए हैं? आई रियली लाइक द रेंज ऑफ इश्यूज दैट दे हैव रेज्ड, रेंजिंग फ्रॉम द लद्दाखी इशू ऑफ सोनम वांगचुक टू द मणिपुर वायलेंस दैट इज गोइंग ऑन, टू द संदेश खाली वायलेंस दैट इज गोइंग ऑन, टू द एंट्री ऑफ कंगना रनौत इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स। सो ऑल दीज डिफरेंट इशूज हैव बीन डेल्ट विद क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी व्हिच आई अप्रिशिएट अबाउट दिस एग्जीबिशन। हमने पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स की बात सुनी, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी जानी, उन्हें क्या लगता है कि कौन कौन से इशूज हैं जो हमारी पोलिटिकल पार्टीज को रेज करने चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के टीचर्स के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर कमलप्रीत से। मैडम सबसे पहले ये बताइए कि इस एग्जीबिशन को लगाने का आपका मेन पर्पस क्या था? बच्चों को इन्वॉल्व करना जी। पॉलिटिकल साइंस डीएवी कॉलेज में सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारी पॉलिटिकल साइंस में स्टूडेंट्स की होती है, तो इनको इन्वॉल्व करना, इनको पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे बताना, स्पेशली क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, सो वी वांटेड टू नो कि इनका माइंडसेट क्या है, कितने अवेयर है, तो इसलिए हमने ये एग्जीबिशन कराई जी। आपको क्या लगता है कि बच्चों ने किस ढंग से सारी समस्याओं को उभारा है और कौन कौन सी समस्याओं को उन्होंने अपने आर्ट के माध्यम से लोगों के सामने रखा है? एक्चुअली द माइंड सेट इम्प्रेशन ऑन देयर माइंड्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड आइडियाज एंड वट एवर द इंटरप्रिटेशन दे आर टेकिंग फ्रॉम द सिचुएशंस, तो हमने उनको वो फ्रीडम दिया कि वो एक्सप्रेस कर सकें उन चीज़ों को इस चीज़ इन पोस्टर्स के थ्रू, इस कोलाजेस के थ्रू। तो बेसिकली उनका अपना अवेयरनेस लेवल और वो क्या सोचते हैं, वी वॉन्ट टू नो दैट अबाउट द डिफरेंट जो भी स्लोगन्स हैं डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़ के, उनकी फंक्शनिंग है, जो स्कैम्स हैं, कितने अवेयर हैं, क्या उनका अपना एटीट्यूड है, वो उन्होंने अपने आइडियाज़ जो हैं वो हमें प्रेजेंट करके दिए इनके थ्रू। मैडम बच्चों से हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आना चाहिए क्योंकि आप टीचिंग लाइन में हो बहुत सालों से हो, तो पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में और हमारे एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन से बदलाव आने चाहिए? इट शुड बी क्वालिटेटिव थियोरेटिकल नॉलेज से हम स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ मूव ऑन कर सकें और जो कि उनकी लाइफ में और सोसाइटी में बेटर कॉन्ट्रीब्यूट करना उनको सिखा सके। राइट नाउ दिस थिंग इज लैकिंग इन देयर कोर्स वर्क, दैट्स व्हाई वी पर्सनली वॉन्ट आर स्टूडेंट ऑल्सो वॉन्ट की ये चीज़ें आनी चाहिए उसमें। मैडम बच्चों से पूछा था, आपसे भी पूछना चाहेंगे, आप क्या चाहते हो, आपका लीडर कैसा हो? हमारा लीडर मैम सबसे पहले तो यूथ के लिए और मेन जो हमें प्रॉब्लम्स आती है जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी, बच्चे अब हमारे कंट्री के इंडिया में अगर देखते हैं तो कितने बच्चे आउट ऑफ कंट्री स्टडी के लिए क्यों जा रहे हैं, स्टडी बैट अच्छी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत अच्छी है, बट नेक्स्ट उनको फ्यूचर में कुछ दिखाई नहीं देता, तो इसलिए वो चाहते हैं कि हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए भी कुछ ना कुछ सोचे। मैम वीमेन पार्टिसिपेशन की बात करेंगे, आपको क्या लगता है कि हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में वीमेन को जो पार्टिसिपेशन मिल रही है आप उससे सेटिस्फाइड हैं या और भी मिलनी चाहिए?
आई थिंक लीगली तो जो होना था हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनली हो चुका है रिजर्वेशंस, इससे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनली ज़रूरत नहीं है, समाज को बदलने की ज़रूरत है जी। समाज में लेडीज़ ज़्यादा बाहर निकलें, घर में ज़्यादा इज्जत मिले, बाहर मिले, सिक्योरिटी मिले, जैसे यू नो दे शुड फील सेफ इन पब्लिक स्पेसेस, तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और हो रहा है हमारे यहाँ। सो नथिंग टू बी यू नो पेसिमिस्टिक अबाउट, वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग एंड मोर नीड टू चेंज एंड मोर आर चेंजिंग जी। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन यहाँ पर हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मेल टीचर्स हैं और बच्चों ने एक बात कही थी कि जब फीमेल्स को पार्टिसिपेशन मिलती है, अगर कोई लड़की जो है वो जीत भी जाती है, लेकिन उसके पीछे काम मेल ही करते हैं, जो ओपिनियन है वो मेल का ही मैटर करता है, क्या कारण है? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है। गर्ल्स भी बहुत सारे डिसीजंस ले रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। सोसाइटी में देखें तो हम बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे जो हैं लड़कियां हैं अभी। सो इस तरह का तो कुछ नहीं है, मतलब बहुत आगे आके लड़कियां जो हैं आगे आके काम कर रही हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि स्टूडेंट्स जो हैं, हमने इन्वॉल्वमेंट जो है उनमें बहुत सारी लड़कियों की इन्वॉल्वमेंट है, तो आई थिंक लेडीज़ आर डूइंग बेस्ट। एक करप्शन का मुद्दा जो है वो उभर कर सामने आया था, करप्शन पर क्या कहना चाहें? देखिए, करप्शन का मुद्दा जो है ये बिल्कुल नया नहीं है हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में। हमने देखा कि 1974 में ही हमने एक देश भर में एक बहुत बड़ा आंदोलन जो जेपी नारायण जी ने टोटल रेवोल्यूशन की कॉल दी थी, उसका मुद्दा भी कहीं ना कहीं वो करप्शन ही था कि सिस्टम में है। लेकिन उसका एक सोल्यूशन जो सरकार ने अपनी तरफ से किया वो यही है कि ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में, ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को, गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट लाइए, लोगों को पता चले कि हमारा पैसा कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो चीज़ें काफ़ी बदली हैं 75 साल के बाद, तो सभी मुद्दों के ऊपर काफ़ी सारा अभी डेवलपमेंट हुई और चीज़ें बढ़ रही हैं दिन दिन। हमारे फ़ोन में अब हम पता कर सकते हैं गवर्नमेंट का बजट कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो खातों में डायरेक्ट आने लगी, बच्चों की स्कॉलरशिप जो है वो डायरेक्ट खातों में आने लगी, जो पहले बात चली थी राजीव गांधी जी के टाइम पे कि 85 एक रुपए में से 85 जो है वो सिस्टम में लीक हो जाता है, 15 पैसे इज रीचिंग टू द बेनिफिशरीज। तो अब वैसा नहीं है, अब मुझे लग रहा है कि काफी पैसा जो है एक रुपए का काफी हिस्सा 90% तक जो है वो बेनिफिशरीज तक पहुंच रहा है। तो धीरे धीरे ये विषय अभी तक तो हर एक इलेक्शन में उठता आ रहा है। सो मुझे लगता है कि जो विषय हर एक इलेक्शन में उठ रहा है इसका मतलब उसका एंड अभी निश्चित है, तो वो धीरे धीरे ओवर होगा। मैडम पूछना चाहेंगे कि अभी कौन से मुद्दे आपको लगता है जिन पर काम करना चाहिए? अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं कि आने वाले टाइम में जब इलेक्शंस होंगे तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को उस पर ज़्यादा वर्क करना चाहिए? करप्शन जी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जी, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, पॉवर्टी इरेडिकेशन हमेशा होता ही जा रहा है बट दैट हैज़ टू बी ऑन गोइंग प्रोसेस, वेमेन सिक्योरिटी, फीमेल फीटिसाइड, then India's international relations, we want to be a stronger country, and I think these are the issues, and involving and no to drug sex trafficking, I think that is their very, and organ donation matlab increase hona chahiye, aur organ smuggling and trafficking should be reduced. So I think these are the crucial issues जो मैं एक मिनट में सोच सकती हूँ जी। मैडम एक चीज़ पूछना चाहेंगे, बच्चे ज़्यादातर अपनी कौन सी प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करते हैं? मैं किसी से भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि बच्चे जो है ना घर के बाहर ज़्यादातर समय अपने टीचर्स के साथ बिताते हैं, वो ऐसे कौन सी समस्याएँ बताते हैं जो उन्हें आज के समय में फेस करनी पड़ रही है? कोई भी आप में से बता सकता है। इसमें ऐड करूँगा मैम, क्योंकि टीचर का बहुत बड़ा रोल आपने कहा रहता है, तो दीज डेज मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेन एवर वी गेट चांस, मैम इज ऑलवेज अहेड, शी इज़ द इंजन ऑफ अवर ट्रेन। सो बच्चे जब भी हम उनको इनकरेज करते हैं कि बच्चे आप बात कीजिए, यू शुड टॉक टू अस एनी प्रॉब्लम, तो कई बार ऐसा हुआ है, मतलब अभी इतना नहीं है, बच्चे फील शाय, तो स्टूडेंट्स कम विद देयर लाइफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो रिगार्डिंग देयर, यस, तो दैट इज़ वेरी गुड, दे आर टेलिंग द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ देयर टीचर्स, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रस्ट इज गेटिंग मोर स्ट्रॉन्गर बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। तो ये मेंटल हेल्थ का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे लेके आ रहे हैं, टीचर जो है बहुत अच्छी तरह से बच्चों को गाइड भी कर सकते हैं, हमने किया, इसीलिए वो ट्रस्ट की बात है ना, कि बच्चा ट्रस्ट जिस पे करता है उसको बता रहा है, तो दैट्स वेरी गुड फॉर अवर कम्युनिटी फ्रेटर्निटी ऑल्सो, कि बच्चों की मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी तभी तो देश को चलाएंगे आगे जी।
बाकी इन्होंने बहुत अच्छी बात की है मेंटल हेल्थ। अक्सर ही हम बात करते हैं कि फिजिकली हमें फिट होना चाहिए, लेकिन अगर यूथ को हम चाहते हैं कि वो ड्रग्स से दूर रहे, अगर हम चाहते हैं कि वो किसी तरह की गलत कंपनी में ना जाए और रेप केसेस जो ज़्यादा बढ़ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हम लगाम लगा सकें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर एक शख्स जो है वो मानसिक तौर पर भी स्वस्थ हो, और मानसिक तौर पर हमारी यूथ को स्वस्थ बनाने में इन सब का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप सबने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।